मुझे जानते हो? वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे जानती हो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, नोटिस कर रहे हो एक्चुअली। मैं थोड़ा याद करके आता हूँ, कहीं तो देखा है शायद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नौस्ता प्रो ऐप। अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स की नॉलेज है और आप एक अच्छी खासी अर्निंग ऐप ढूंढ रहे हो तो नौस्ता प्रो ऐप आपके लिए है। इसमें आपको वो खेल सेलेक्ट करना है जिसकी भी आपको नॉलेज है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी खेल, और फिर आपको कुछ प्रेडिक्शन करने होंगे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेंगे बहुत सारे पैसे, और उन पैसों को आप इजिली पेटीएम के थ्रू निकाल सकते हो, और पेमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दिस ऐप इज़ पावर्ड बाय पेटीएम। और दोस्तों, इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि ड्रीम टीम। जैसे आपको ड्रीम इलेवन वगैरह में फीचर्स देखने को है ड्रीम टीम्स का, वैसे अब आपको नौस्ता प्रो ऐप में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें 0% कमीशन कॉन्टेस्ट भी है। इसको तुम अपने एंड्रॉइड फोन, ISO, PC किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाना है और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा कोड Yash100 यूज करोगे तो आपको मिलेगा आपके साइनअप पे ₹100 का बोनस। तो फिर देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करो नौस्ता प्रो ऐप को और ढेर सारे पैसे कमाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों। बट मुझे लगता है आपकी नज़रों में कुछ है। नो, नेवर। ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे ही देखते हो लड़कों को। बिल्कुल नहीं, आप देख रहे थे जैसा मैं आपको देख रही थी। ऐसा है? या नहीं यार, तो आप मुझे जानते हो शायद? नहीं। पक्का नहीं देखा आपको? जानते हो? नहीं जानते तो जानते शायद बनाते हैं फिर। ऐसे कैसे? ऐसे अब मैं पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। हाय, माय नेम इज यश। आपका नाम? पूजा। यह कुछ पूजा राजपूत। नाइस। यश चौधरी। यह कुछ तो है आपकी नज़रों में? नहीं नहीं, सीरियसली फ्लर्ट? कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस। दूसरा तरीका? ये पुराना दूसरा तरीका। मैं वहाँ दूर से देख रहा हूँ, सोचा एक बार जाके देखता हूँ पास में। मतलब तुम फ्लर्ट कर रहे थे? राइट। फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मैं लाइन मार रहा था। अच्छा, लाइन मार रहा। मेरी आँखें देख रहा था दूर से, तुम इधर उधर देख रही थी ना। देखो मुझे पता है आपका नाम पूजा राजपूत है, अभी आपने बताया, और आपके बारे में ही पता है आप यहाँ किसी का वेट कर रहे हो, तो दो चीजें पता चल गई। इसका मतलब ये, यहाँ पे कोई भी लड़की आती है आप उसको ऐसे देखते हो? नहीं, ऐसे तो नहीं देखता मैं। तो आपने बोला ना वहाँ इतनी स्माइल के साथ, तो नहीं देखता। इतनी स्माइल इसलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर ना वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स। ओहो, ऐसा किसी ने पहले पता नहीं नजरों ने रोका मुझे तुम्हारी यार। मतलब कह सकते हो ना कि डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? करती हो वैसे बिलीव? मैं करता हूँ। शायद मुझे ना वही हो गया तुमसे, पहली नजर में पहला प्यार। ये तरीका, ये भी पुराना है। नहीं मतलब नया क्या यार, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपने आप को। सारे लाइन मारते हैं, आप कुछ और ट्राई करो। अच्छा, कुछ और ट्राई करो, ठीक है। तुम्हारे पापा ड्रग डीलर है क्या? तुम्हारी आंखों में नशा है यार। मतलब बिना कुछ पिए बस देखने के बाद ही मुझे नशा सा चढ़ रहा है। सीरियसली? ये अच्छा था। हाँ, आई लाइक योर नोज पेन एज वेल। रियली? पता नहीं कौन सा गाना है यार। सानिया मिर्ज़ा? नहीं 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 नहीं, मुंडा तेरी लुकता होया होया फैन तेरी नोज पिन था, बब्बल राय वाला गाना है एक, मुंडा तेरी लुकदा फिगर स्लिम दा नहीं होया फैन तेरी नोज पिन था। तो मैं भी फैन हो गया तुम्हारी नोज पिन का। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो यार, मतलब टाइम पास कर रहे हो। अच्छा बताओ ना, फ्रेंड आ रहा है या बॉयफ्रेंड आने वाला है? फ्रेंड एक्चुअली। फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा बनाते हैं। सीरियसली? बिलीव नहीं होता। हम बोले तो आप कितने लोग नहीं बनाते? पूरा ग्रुप नहीं बनाता आपका? मैं नहीं बनाती। अच्छा, हम मींस माई सेल्फ ओनली। नहीं, आपने बोला ना बॉयफ्रेंड नहीं बनाते हम, तो मुझे ऐसा नहीं। एक्चुअली हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं हमारे ग्रुप में, कोई भी नहीं बनाती, सारी लेस्बियन है। नो no! तो मतलब सिंगल रहते सब एक्चुअली, और जो नहीं भी रहते हैं ना हम सबका ब्रेकअप करवा देते हैं। अब एक बात बताओ, एक ऐसे लड़के का क्या होगा जिस यहाँ से यूं जा रहा था उसको तुम्हें देखते ही प्यार हो गया हो? ऐसे लड़के को सोचो, शरीफ सा, मासूम सा। मैं क्यों मानूं आप शरीफ और मासूम हो? आप क्यों मानो? मेरे पास पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट होने से क्या आप शरीफ हो? और क्या मतलब, पासपोर्ट उन लोगों का बनता ही नहीं है जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में होते हैं ना। अच्छा। उनका बनता ही नहीं है पासपोर्ट कभी, तो शरीफ हो तभी तो पासपोर्ट बना है। बट यार मेरे पास ना हनीमून पे या डेट पे ले जाने के लिए कोई खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड नहीं है।
हनीमून। बट मुझे लग रहा है कि आज के बाद ना मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है कि मतलब इतनी प्यारी सी और क्यूट सी लड़की मेरे ग्राउंड में बैठी है। ओके ओके, टाइम दो अपने आप को। अपने आप को मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को टाइम दें यार। नहीं, एक्चुअली स्ट्रेंजर हो ना आप मेरे लिए अभी, तो मैं तो आपको इतना जानती भी नहीं। तीन चार बातें तो जान गई हो वैसे मेरे बारे में। मेरा नाम यश है, पासपोर्ट है मेरे पास, पासपोर्ट भी है और मेरी जो ड्रीम्स एक्टिविटी है उनके बारे में भी तुम्हें पता है कि लाइक मुझे हनीमून पे जाना है। गर्लफ्रेंड भी नहीं है देखो मेरे बारे में, तो जाना नहीं है। अब अभी कितनी देर हुई थी हमें, 5-7 मिनट में हम दोनों इतना सा जान गए एक दूसरे को। अगर इस 5-7 मिनट को सोचो 5 दिन कर लें या 5 महीने कर लें तो कितना अच्छा लगेगा। एंड इवन बी बोथ आर हैप्पी, देखो तुम्हारे फेस पे भी एक स्माइल सी आ गई है। नहीं ऐसे मैं तो हमेशा हैप्पी रहती हूँ। मैं भी ऐसे ही रहता हूँ लेकिन तुम्हारे पास आके ना थोड़ा और ज़्यादा हो गया। बट एक बात बताऊँ, तुम ना पक्का मुझे देख जरूर रही होगी, तभी तो तुमने यहाँ आते ही मुझे देखा जब मैं इधर आया। फ्रेंड जो आ रहा है ना उधर से ही आ रहा है, तो मेरे जैसा ही लगता है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं यार। फिर वो ज़्यादा हैंडसम है या मैं? अभी मैं बताऊंगी देख के। ए लड़की के दिल में थोड़ी सी जगह बन रही है। और क्या करते हो, क्लोजअप या टूथपेस्ट? मैं स्माइल बहुत प्यारी है इसलिए मैं भी वही करता हूँ, क्लोजअप। 10 रुपये वाला आता है ना रेड वाला, वही वाला 10 रुपये वाला करता हूँ। मेरी थोड़ी सी बड़ी है। दोस्त कब तक आएगा एक बात बताओ? पता नहीं यार, उन्होंने तो बोला आ रहा हूँ। तो यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? मैं एक चीज़ भी सोच रहा था क्या? कि बजाय यहाँ बैठने के, यहाँ पास में ना एक कॉफ़ी शॉप डिसाइड है, तो वहाँ जाके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को आगे बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब वहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेरे साथ में रहना है या नहीं रहना है, या आप मुझे वहाँ से भगा भी सकते हो। अब यहाँ से भगाओगे ना सरेआम मेरी बेइज्जती सी होगी। अच्छा। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। अब वहाँ से भेजोगे ना, काफ़ी इज्जत है यहाँ पे, काफ़ी इज्जत है यहाँ, रिक्शे वाले ऑटो वाले सब है, तो भाई सलाम करते हैं सब ऐसे ही ना दूर से। अब अगर मुझे वहाँ पे चलोगे, वाले आपको सलाम करते हैं फिर तो आप, मैं ठेकेदार हूँ ना उनका, ठेकेदार हूँ ना उनका, इसलिए रिक्शा और ऑटो चलते हैं ना मेरे। आई एम नॉट टू मच एजुकेटेड पर्सन, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ तो यही वाला काम कर लिया मैंने। सही है ये तो। अच्छा है, शाम तक आ जाते हैं 8-10 हज़ार रुपये भी डेली के किराए पे, रेंट पे देते हैं ना यार ऑटो और रिक्शा, इसलिए दिन में 8-10 हज़ार हो जाते हैं। तो कॉफ़ी शॉप अच्छी है वहाँ पे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मेरे दोस्त आ रहे हैं वो आए ना आए कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ गर्मी भी है, वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। और आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर धूप में बैठेगी ना तो जल जाएगी। ओहो, किसी ने नहीं सोचा। थोड़ी सी टाइनिंग भी नहीं होनी चाहिए आपको यार। देखो मैं तो अभी से इतना केयरिंग हूँ आपके लिए, सोचो आगे जाके कितना होगा। अच्छे बॉयफ्रेंड रहोगे है ना, कहलाओगे भाई। नहीं मैं तो प्यार बनना चाहता हूँ, बॉयफ्रेंड तो एक्स और प्रेजेंट हो जाते हैं मेडिसिन की तरह। अच्छा आप प्यार बनना चाहते हैं, ये तरीका अच्छा था। नहीं नहीं सीरियसली, लाइंस भी अच्छी थी। नहीं देखो मेरे घर वालों को ना एकदम परफेक्ट बहू चाहिए और वो ऐसे है। और मुझे तो पता है लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो क्रॉप टॉप में रहती हैं। यू आर ऑल्सो वेयरिंग क्रॉप टॉप, और चेक कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। मैं, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं जो सारी चेक्स में है। ये इत्तेफाक था? नहीं नहीं सीरियसली नहीं। हाँ ये हो सकता है मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। और बताओ अपनी चॉइस। और आप, आई लाइक योर आईज जो मुझे डीपली डुबा रही हैं इसमें। वो मेरा मन भी नहीं है कि मैं स्विमिंग करके बाहर आऊँ। डूबना चाहते हो? डूबना ही चाहता हूँ, नहीं डूब रहा हूँ यार मैं, डूब रहा हूँ। बाकी और दिल से करीब से जानना चाहता हूँ। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि बहुत सारी बकचोदी मैंने कर ली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले एक काम करते हैं, कहना कहते हो नंबर। अच्छा छोड़ो एक मिनट, ये फ़ोन दिखाना, आपका फ़ोन बहुत अच्छा है। दिखाना कौन सा फ़ोन है? ओप्पो। नाइस यार। वेयर आर यू फ्रॉम? दिस इज़ माय नंबर। यार मतलब अब इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स मिल गई है ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे लड़की से। ओहो नाइस, एंजल राजपूत। या ओह नाइस, आई लाइक इट। देखा तुमने डिलीट भी नहीं किया ना गुस्सा किया, लड़की मतलब चाहती है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, चले यहीं पे कॉफ़ी शॉप है वहाँ तक चलते हैं और उसके बाद में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में डिसाइड कर लेंगे यार क्या सीन है ना, डिस्टेंस पे बैठेंगे हम। चलो आओ फिर चलते हैं, मैं हाथ पकड़ के तो लेके नहीं चलूंगा ऐसे आज। कॉफी मेरी चॉइस की होगी।